सो फिलहाल दोस्तों मैं एक्चुअली अब इस चैनल को एक्चुअली बंद करने वाला हूँ। मेरे को कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है इस पर। 475 वीडियो में डाल चुका हूँ और कुछ यूट्यूबर से मिला तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि मैं काफ़ी नर्वस हो गया था। तो फिर मतलब यार हो ही जाता है यार, इंसान इतने 475 वीडियो डालने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है और मेरे सामने ऐसे ऐसे चैनल है जो मेरे सामने ओपन हुए थे और आज किस लेवल पर वो पहुँच गए हैं। तो ऑब्वियसली नर्वसनेस आता है। और 475 वीडियो मतलब आप खुद समझ सकते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो 475 वीडियो का मतलब क्या होता है। तो कोई रिस्पांस नहीं था इस चैनल पे, मतलब जो रिस्पांस, मैं ही नहीं बोल रहा कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन मतलब जो सपोर्ट होना चाहिए वो उस तरह का मेरे इस चैनल पे नहीं हो रहा है। तो मैंने कुछ यूट्यूबर से बात करी इस मैटर पे, तो उनका बोलना था आप कंटेंट आपका बहुत अच्छा है और पूरा चैनल देखा उन्होंने, तो उन्होंने बताया इससे अच्छा कंटेंट आपका जो आप फैमिली व्लॉग बनाते थे, जो आप वाइफ और आपकी वाइफ और आप और उसके अलावा जो थोड़ा मार्केट का आप साथ में बनाते थे और आप खुद भी मार्केट का बनाते थे, जो डेली वाला ब्लॉग था वही आपका बहुत अच्छा था, बोले आप उसी पे काम करो। तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला आप वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कुछ का बोलना था कि आपका चैनल डेड हो गया है, बोले कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन। तो यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कहा यार मेरी तो इच्छा भी नहीं हो रही थी कि वीडियो एडिटिंग करके मैं डालूं, और शायद इस पे अब वीडियो एडिटिंग करके मैं नहीं डालने वाला हूँ। मुझे पता है कि कुछ सब्सक्राइबर है उनको जरूर दुख होगा, लेकिन आप मुझे समझ सकते हो कि मैं हार गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ इस चैनल से। अब पता नहीं ये चैनल क्या होगा। तो फिर एट द एंड कुछ ने सजेशंस दिया मेरे को कि आप एक काम कीजिए, आप जो पुराना आपका कंटेंट था वही डालिए आप। और फिर कुछ का बोलना था कि डेड हो गया चैनल, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। तो फिर मैंने डेली का ब्लॉग वाला वापस मैंने सोचा चलो ठीक है, अब जो है सो है, जो हो गया सो हो गया। अब तो मैंने एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है इंदौरी भरत करके, ये भरत इंदौरी था इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद अब मैं इस पर वीडियो नहीं डालने वाला हूँ। और मैं आपसे जो स्टोरी डाली थी मैंने कि मैंने वीडियो एडिट करने में लगा हुआ था, एक्चुअली हकीकत कुछ और था। हकीकत ये था कि मैं नर्वस हो रहा था और मेरे वीडियो एडिट करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, न बनाने की हो रही थी। तो मैंने कुछ समय तक तो बनाया है लेकिन अब एडिट करने की हिम्मत नहीं हो रही, मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो नो आप समझ सकते हो ऑब्वियसली उस चीज़ को कि मतलब मैं डिमोटिवेट हो गया था पूरी तरह से। सो फिलहाल अब मेरी आदत लग चुकी है इस पे काम करने की, मुझे पता है कि मैं बिना उसके काम के रह नहीं पाऊँगा, लेकिन यही है कि इस वाले चैनल पे शायद अब काम नहीं कर पाऊँगा मैं। और वो जो सजेशन दिया मेरे को कुछ यूट्यूबर्स ने आपका कि फैमिली ब्लॉग आपके बहुत अच्छे हैं जो आप बनाते हो, आप उसी पे काम करो, और उसके लिए हमने नया चैनल बना लिया है, तो वो भरत इंदौरी ये चैनल है तो उसका नाम है इंदौरी भरत, तो अब उसी पे हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और उस तरह का कंटेंट जो पहले आता था डेली वाला वो कंटेंट आएगा, क्योंकि यार इंसान हार जाता है यार, 475 वीडियो मतलब किसको बोलते हैं। और मुझे पता है मेरी आदत बन चुकी है, वीडियो बिना वीडियो बनाए मैं रह नहीं पाऊँगा। अब मुझे नहीं पता उस अगले चैनल पे क्या होगा, लेकिन जो प्लीज़ सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट करते रहिएगा। और बाकी आप भी सजेशन दे दीजिएगा कमेंट्स में कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, जबकि मेरे पास आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 2-2.5 महीने का कंटेंट पड़ा हुआ है, वो मैंने एडिट नहीं किया है, क्योंकि एडिट करने में भी कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, और जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। और बाकी मैं यहाँ पर आ गया था और उसमें वापस जो नया चैनल है इंदौरी भरत, उसमें मैं डेली लाइफ, मैं रितु मेरी वाइफ और मैं मदर और फादर और वो सारी चीज़ें जो होती थी पहले, जो थोड़े थोड़े जो हम दोनों ज़्यादा रहते थे उसमें, मतलब मैं ज़्यादा रहता था कहीं ना कहीं और मार्केट भी जाता था, मार्केट कब बनाता था, तो उस तरह का ही बनेगा वीडियो। और अभी रितु हो सकता है ज़्यादा नहीं रह पाएगी उस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी वो उसका 8वां मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, तो 8वां मंथ है तो वो थोड़े दिन जितने दिन यहाँ पर है यहाँ और उसके बाद वहाँ चली जाएगी, तो उससे जो मिलने जाना रहेगा मेरे को, तो वो उस तरह का वीडियो और बाकी डेली व्लॉग्स वाला मैं बनाऊंगा इस पर, और जब वापस आ जाएगी तो फिर वापस उसको इंक्लूड करूंगा मैं। इस तरह का वीडियो इंदौरी भरत चैनल पे आएगा, और हो सकता है भरत इंदौरी चैनल शायद अब जब डेड हो ही गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो उसको कोई वर्क करने से कोई मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पर।
तो आपके भी जो भी बोलना, आपके जो भी कमेंट्स करके आप बता दीजिएगा कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से मैं सच कह रहा हूँ, मैं नर्वस हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस चैनल से, क्योंकि मेरे सामने रहते हैं न जाने कितने चैनल जो नए आए हैं, या जो मेरे साथ वाले चैनल थे वो इतने ग्रो हो गए, तो ऑब्वियसली यार होता ही है ना यार कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और कुछ नहीं होता, तो फिर खैर एनीवेज मैं आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अब इस पर वीडियो नहीं आने वाले हैं, और बाकी आपके सजेशन जो भी आप मेरे को बता दीजिएगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। और इंदौरी भरत पर अब जो जिस तरह के पहले वीडियो आए थे तो उस तरह के वीडियो हम लोग चालू करने वाले हैं, मुझे नहीं पता उस पर भी क्या होगा, बट जो भी होगा ठीक है, बाकी इस पर तो कुछ नहीं हो रहा इस चैनल पर तो मैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है इसी के नीचे एक्चुअली ये जो नया चैनल है हमारा इंदौरी भरत, उसमें हम लोग बना रहे, वो इसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं और अपना प्यार सब्सक्राइब करके मुझे दीजिए, और बाकी अब उस पर वीडियो आएंगे, और बाकी अपने कमेंट्स भी बता देना कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे पूछना भी ज़रूरी है। और बाकी वो तो चैनल तो चालू कर दिया, उस पर तो वीडियो आपको मिलने लग जाएंगे वापस से। तो चलिए अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्या अब लास्ट वीडियो है, तो चलिए ठीक है मैं रखता हूँ अभी।